हाय एवरीवन, ज्योति के किचन में आपका स्वागत है। और आज हम गणेश चतुर्थी के मौके पर मोदक, उनके प्रिय मोदक बनाने जा रहे हैं, सिंपल और सरल तरीके से। ओके गाइस, सबसे पहले हम गैस को लगा देंगे और आंच हम धीमी रखेंगे। और सबसे पहले हम 280 ml दूध डालेंगे। ओके गाइस, दूध डालने के बाद अब हम इसको 5 मिनट ऐसे ही उबलने देंगे। ओके गाइस, 5 मिनट हो गए हैं, दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 2.5 चम्मच इसमें घी डालेंगे। और इसे भी खिला लेंगे घी को अच्छी तरह। ओके गाइस, ये 1 कप मिल्क पाउडर है और ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इनको सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। और इसे हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और दूध को पूरा अच्छी तरह सुखा देंगे। ओके गाइस, ये दूध देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें नारियल डालेंगे। ये 1 नारियल है। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और दूध को पूरी तरह सुखा लेंगे। गाइस, दूध हमारा गाढ़ा शुरू हो गया है ना, तो अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। और फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ओके गाइस, देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको डो की फॉर्म में ले आएंगे। ओके गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे डो ने पैन को छोड़ दिया है, देखिए, और घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसे ठंडा कर देंगे। ओके गाइस, डो हमारा ठंडा हो चुका है। अब फिलिंग के लिए हमने ड्राई फ्रूट रखा है और गार्निश के लिए बादाम रखे हैं। अब हम इसे मोदक मोल्ड के बिना मोदक बनाएंगे। और सबसे पहले हम ऐसे बनाकर इसे इसमें हम फिलिंग भरेंगे ड्राई फ्रूट की ऐसे। अब हम इसे लड्डू के आकार में शेप दे देंगे। ये लड्डू के आकार में हमने शेप दे दी है। अब हम इसे ऊपर से ऐसे इसकी नोक को आएगी ऊपर से ऐसे, नीचे से नहीं ऊपर से। ठीक है गाइस। ओके गाइस, अब हम एक कर्द या काटे वाला चमचा ले लेंगे। अब हम ऐसे इसे निशान लगा देंगे इसे ताकि हमारा पूरा प्रॉपरली मोदक बन जाए डिजाइन। कितना अच्छा लग रहा है बिना मोल्ड के, ये कितना अच्छा बना है। अब हम इसे बादाम के साथ गार्निश करते हैं। और एक और बनाकर ऐसे ही हम आपको दिखाएंगे।
हे गाइस, देखिए हमारे मोदक तैयार हैं बिना मोल्ड के और कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर गाइस आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। ओके गाइस, जय माता दी।